वहाँ देखिए क्या भयंकर बारिश हो रही है। और भाई सुबह से हो रही है बारिश, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज का स्पेशल पहाड़ी फूड जो कि है थिचौनी, तो देखिए आज थिचौनी बनी है, तो ये आलू की थिचौनी है। तो भाई ये है अरबी के पत्ते और इनके बनते हैं बहुत बढ़िया पकोड़े, तो किसी दिन वो बना के भी खाएंगे, अभी देखते हैं कब मिलता है टाइम। बाकी इनको पत्ते और भी बोल कहीं ना कहीं तो एक क्या बहुत सारे साफ होंगे, 4-5 तो होंगे ही होंगे। सकते हैं ये इन पे ना ऐसे जो पानी है वो रुक सा जाता है क्योंकि इन्हें पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते और पानी इस पे ऐसे हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स पे। मेरा नाम शिव ग्रेटी है, हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ थोड़ी देर में उत्तराखंड के इस प्यारे शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश बहुत भयानक हो रही है, वहाँ देखिए क्या भयंकर बारिश हो रही है। और भाई सुबह से हो रही है बारिश, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई बारिश जो है सुबह से हो रही है और आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ऊपर ना टीन सेट लगाया और बारिश की बूंदें पड़ रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, बट आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मतलब सुबह से हो रही है, रुक ही नहीं रही है बारिश, पता नहीं क्या हो गया। बारिश की दिक्कत ये है ना कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ना मतलब फिर गाड़ी में ट्रैवल करना और फिर भीग जाना और फिर फ़ोन भी ख़राब हो जाता, मतलब गैजेट वगैरह सब भीग जाते हैं ना, तो फिर कहीं जा नहीं सकते और दिक्कतें बहुत होती है। एक ब्लॉगर के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है भाई अगर बारिश हो रही है। तो मैं सोचा था आज आप लोगों को कहीं बाहर जाके बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा और देखो बारिश हो रही है सुबह से। तो अभी बच रहे हैं सुबह के 8:30 हो रहे हैं भाई, और सुबह के 8:30 पे ऐसा मौसम हो रहा है देखो। तो भाई जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये मुंगरी हो रखी है और देखिए बरसात ज़्यादा हुई ना तो यहाँ पे सारी ख़राब हो गई पूरी। और ये देखो यहाँ पे भिंडी हो रही है, बाकी वो तो पूरा जंगली है, मतलब यहाँ पे सांप होंगे इसका डर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आंटी लोगों के सब कुछ मतलब खेतीबाड़ी आंटी लोगों ने कर रखी है, तो किसी दिन आपको यहाँ के अच्छे से दिखाऊंगा क्या क्या बो रखा है। फिलहाल आगे तरफ चलती हुई बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, मैं भीग जाऊँगा। फिलहाल तो हल्की हल्की कम हो चुकी है लेकिन अभी इतनी तेज़ हो रही थी ना। भाई फिलहाल तो बारिश रुक चुकी है और अभी मौसम तो है ठीक ठाक हो रखा है, लेकिन फिलहाल क्या है बारिश कभी कभी आ जा रही है बहुत तेज़ और कभी कभी रुक जा रही है, तो अभी तो आज आपको बहुत कम दिख रही होगी। और वहाँ पे केले के पेड़ पे केले आने लग गए हैं तो अब केले खाने को मिलेंगे, और ये घर पे उगा रखा है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब नेचुरल है पूरा, क्योंकि आजकल ना मतलब केमिकल लगा करके उगाते हैं ना फर्टिलाइज़र वगैरह से, तो उनका टेस्ट बहुत अलग रहता है। खैर ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये मतलब साइंस से बियॉन्ड है क्योंकि ये पहले बनाना अलग तरीके से होते थे केले और अब अलग तरीके से होते हैं। खैर वो बात अलग है, और बारिश रुक चुकी है। तो भाई ये है अरबी के पत्ते और इनके बनते हैं बहुत बढ़िया पकोड़े, तो किसी दिन वो बना के भी खाएंगे, अभी देखते हैं कब मिलता है टाइम। बाकी इनको पत्तीउड़ भी बोलते हैं, जो वो बनता है ना पकोड़े तो बहुत मस्त बनते हैं यार, कोई पतोड़े कहता है कोई पत्तीउड़ कहता है, हमारे साथ पत्तीउड़ कहते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं ये इन पे ना ऐसे जो पानी है वो रुक सा जाता है क्योंकि इन्हें पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते और पानी इस पे ऐसे हो जाता है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है पानी। यहाँ पे एक चीज़ का डर रहता है क्योंकि है सांप, तो भाई सांप ना ऐसे हरे भरे में बहुत रहते हैं, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। बाकी यहाँ कहीं ना कहीं तो एक क्या बहुत सारे सांप होंगे, 4-5 तो होंगे ही होंगे गारंटी, तो ना इनकी सफाई करनी पड़ेगी जल्द से जल्दी, तो दिक्कत कर देंगे सांप जो है वो घर के अंदर आकर के घर भी घुस सकते हैं और वैसे भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो भाई वो देखो एक छोटी सी भिंडी हो रखी है और वो देखो पर आने लग गई है भिंडी इस पर, अब देखते हैं कब तक आते हैं कब तक खाने को मिलती है। ये भी हमारा ही, हमने ही बो रखा है, और वहाँ पे कद्दू की बेल जा रही है, बाकी अमरूद का पेड़ भी है। इधर की साइड वाली तो ना सूख गई ख़राब हो गई है, और इसको उस साइड भेजेंगे तो उस साइड वाली अच्छी हो रही होगी। तो भाई यहाँ पे भी होने लग गए हैं छोटे छोटे अमरूद, वो देखिए अब इन पे भी अमरूद आने लग जाएंगे तो भी खाने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हर एक चीज़ हो रखी है, और वहाँ पे हो रखे हैं पपीता और केले, तो भाई नज़र ना लगे और ख़राब ना हो बस वो, बाकी तो खैर अच्छा ही है कि ये घर पे वो रखे हैं, हो रखे हैं वहाँ पे भी, देखो हमारे भी हो रखे हैं वो अरबी के पत्ते।
बाकी जो वो प्लांट है ना उसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत है भाई दिखने में, बहुत ही मजेदार। वहाँ देखो बच्चों को अभी भी चैन नहीं है, बारिश में भी खेलने जा रहे हैं भाई, बचपन ऐसे ही होता है, बच्चों को देखो खेलने कूदने के लिए पहले ही पहुँच जा रहे हैं। तो भाई आज का स्पेशल पहाड़ी फूड जो कि है थिचौनी, तो देखिए आज थिचौनी बनी है, तो ये आलू की थिचौनी है। और होता क्या है, ये बनती ऐसे है कि सिलबट्टे में इसको अच्छे से कूटते हैं और इसको उसके बाद बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है भाई। तो बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, और अब हम खाते हैं अपने पहाड़ी फूड को। जैसे ही मैं छत पे आया बारिश होने लगी बहुत तेज और अभी भीग जाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा छत पे आके देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है, और यहाँ तो बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा। देखिए भाई मौसम बहुत खतरनाक हो रखा भाई आजकल देहरादून का, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई आज धूप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है, और देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा ही हो रखा है, शाम हो चुकी है और आज धूप बिल्कुल भी नहीं आई। तो आज देख सकते हैं बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रही है, शहरों में भी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। खैर देहरादून जो है वो पहाड़ों में भी आता है, यहाँ से पहाड़ बहुत पास है, तो यहाँ तो हो गई और मानसून आ चुका है और बहुत मस्त बारिश हो रही है। मुझे ना बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, दिक्कत यह है बारिश के साथ कि ना उनको भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे ना बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ना यहाँ पे आजकल इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि भयानक बारिश हो रही है। देखते हैं अगर कल बारिश नहीं हुई तो कल मैंने सोचा आपको एक नई जगह पे लेके जाऊँगा बहुत बढ़िया, देहरादून में। देहरादून में भी बहुत बढ़िया जगह है जो घूमने के लिए है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद मतलब एग्जाम्स के बाद फिर मैं पहाड़ों की तरफ चल जाऊँगा, तो आपको पहाड़ों के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाकी अभी देखते हैं, फिलहाल मौसम जो है वो ऐसे ही हो रखा है, ठीक तो होने वाला है नहीं और अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि शाम हो चुकी है, बाकी मौसम का क्या ही कुछ कह ही नहीं सकते भाई। तो आपने उस दिन व्लॉग देखा होगा सुबह वाला, तो उस टाइम भी सेम ऐसे ही मौसम हो रहा था, मतलब सुबह के 5 बजे, और अभी भी 6 बज रहे हैं शाम के, तो शाम और सुबह में कोई डिफरेंस नहीं है भाई। सुबह और शाम ऐसी हो रखी है बरसात के टाइम पे कि सुबह शाम एक जैसी हो रखी है आजकल बरसातों में। बरसात में यहाँ जाना बहुत बेवकूफ़ी होगी क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत सारे होंगे, तो मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ से कि क्या क्या है, बट किसी और दिन वहाँ आराम से जा करके आपको अच्छे से दिखाऊँगा वहाँ पर क्या क्या हो रखा है। फिलहाल जितना मुझे पता है भिंडी है, मक्की है, और ये तो अरबी के पत्ते हैं, फिर उधर पे जाकर के भी मक्की ही है, फिर उधर पे और चीज़ें थी, देखते हैं भाई बारिश कब तक रुकती है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी बारिश रुकेगी, और आज तो मौसम ऐसे ही रह गया, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बारिश में। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपने पिछले व्लॉग में अगर देखा होगा तो आपने पुराना व्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने इमली की कैंडी बनाई थी और एक घर पर बना रखी है, अब दिख रही होगी आपको और अच्छे से। तो ये घर पे बना रखी थी और ये गुड़ और इमली से बना रखी है, ये देखो। तो भाई शाम के टाइम पे खाने के लिए सही रहता है। अभी मत बोलना इसकी ये जो शेप है ऐसे क्यों हो रखी है, क्योंकि ये घर पे बना रखी है ना, तो ऐसी हो रखी है ये फिलहाल, बट खाने में बहुत टेस्टी हो रही है। और भाई यहाँ पे माइक को देखो कैसे बैठ रखा है, माइक को दिखने में सकता है गुस्सा है, गुस्सा हो रखा है, लेकिन कभी कभी खुश रहता है, कभी गुस्सा हो रहा है ना माइक। तो ना एक दिन कमेंट आया था कि माइक को भी दिखाया करो भाई, जेरी जेरी को दिखाते हो, अब जेरी तो सो रखा है उसको परेशान नहीं करेंगे, माइक बैठा हुआ है, तो मैंने कहा माइक दिखाता हूँ आज आपको। आजकल मैं सुबह बहुत जल्दी उठ करके चले जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कल के व्लॉग में आपको सुबह के दूसरे नज़ारे दिखाऊंगा कल धूप रही तो, नहीं तो कल एक नई जगह जाने वाले हैं। फिलहाल तो आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कहीं जा भी नहीं पाया और ब्लॉग यहीं पे बनाना पड़ गया। वह आप लोगों को बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है, वो ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़े बहुत आर्स रह चुके हैं, होता क्या है कि यूट्यूब में 4000 घंटे चाहिए होते हैं आपको
वॉच आवर्स 4000 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग सोच रहे ना कि 4000 घंटे हम ऐसे ही ला देंगे, लेकिन 4000 घंटे मतलब टोटल होने चाहिए एक साल के अंदर। तो पुराने साल जो वीडियोस थी ना, जो जिनको एक साल हो चुका है, तो उनके वॉच टाइम घटने पे लगे हुए हैं, और जो नए हैं उनके ऐड हो रखे हैं। तो और ये ना हर एक 48 आवर्स में बताता है कितने हुए, तो मुझसे वेट नहीं होता, मैं रोज़ चेक करता हूँ कब होंगे। बस अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा ना, तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं, होपफुली इस मंथ तक हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोनेटाइज मतलब ये नहीं है कि पैसे अचानक से आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा। पैसा आने में तो लगेगा, अभी भी 2-3 महीना और लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक ना कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक मतलब रीज़न मिल जाता है कि आपको आप कर सकते, एक इंस्पिरेशन मिल जाती है कि भाई हाँ मतलब हो सकता है कुछ, तो फिर आगे वर्क करने का और भी मन करता है। खैर मैं छोड़ने का वाला नहीं, और पैसों की बात तो इसमें खैर है भी नहीं कि अगर पैसा नहीं भी आएगा तो छोड़ देंगे, या पैसा आएगा तभी काम करेंगे, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है और आप लोगों को चीज़ें दिखाना अच्छा लगता है। और खैर अब तो धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, पीछे बारिश भी होने लगी भाई अचानक से, तो और बारिश का मौसम भी ऐसी हो रहा है, कभी हो रही है कभी हट रही है। तो देखते हैं कब तक जो चैनल है मोनेटाइज होता है। आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी 2000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो अभी फिलहाल देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नज़ारे कैसे हो रखे हैं, बारिश ही बारिश। तो इस व्लॉग में ऐसी कुछ था, ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।